वेलकम टू एम्बिशन IQ। हम क्या कर रहे हैं, कंट्री सीरीज चालू किए, मतलब जो भी कंट्री है उसका जो भी फैक्ट्स हैं, मैप है, वह हम लोग क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा और आपको मालूमात भी होगी कि अपने आसपास कौन कौन सी कंट्री है, उनकी लोकेशन क्या है, उनके बाजू में कौन सा सी है और वहाँ तक कैसे हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे GDP क्या है, वहाँ पे करेंसी क्या है, इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। सपोज़ आप इंडिया से श्रीलंका जाओगे, तब आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की करेंसी क्या है, वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ पर मैप क्या है, एग्जैक्ट कहाँ से जाना है, यह आपको पता होगा तो आप इजीली वहाँ पे जा सकते हो। श्रीलंका के बारे में हम लोग ने कई बार डिस्कस किया है, चीन ने क्या किया है, लोन दे दिया है श्रीलंका को, लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ तो चीन ने 100 साल के लिए उनका हम्बनटोटा पोर्ट एक्वायर करके ले लिया। ऐसे ही चीन है क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर वो क्या कर रहा है, हर देश को लोन देता है, रिपेमेंट ना हो तो उनका कोई ना कोई चीज़ हो लीज पे ले लेता है जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता। ऐसी स्ट्रैटेजी चीन कर रहा है और इस स्ट्रैटेजी को मतलब ख़त्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया ने क्वाड ग्रुप बनाया है, वहाँ इसे चाइना को टारगेट करना चाहते हैं। होप वो जो बात है वो हम लोग और किसी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज क्या करना है अपने को, श्रीलंका के बारे में इन डिटेल्स जानकारी जुटाना है। श्रीलंका ये उनका फ्लैग है, ये उनकी कैपिटल है, कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है, जयवर्धनपुर और भी सेकंड कैपिटल है उनकी, आसिया कॉन्टिनेंट है, जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आसिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ये क्या हो गए, 7 कॉन्टिनेंट है, उसमें से आसिया एक कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे भारत है वहाँ पे श्रीलंका है। उसके इन डिटेल्स एनालिसिस हम आगे वीडियो में करेंगे, आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि एंड में मैं क्या करूँगा, मैप के ज़रिए अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इनका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ये उनका ऑफिशियल नाम है। अल्टरनेटिव नाम क्या है, लंका है, LK, इलंकाई डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, यह है। इनका रीजन देखा जाए तो रीजन है आशिया में, जहाँ पे इंडिया है, साउदर्न एशिया, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे कंट्री है वहाँ पे ही श्रीलंका मौजूद है। इनकी करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपया इनकी क्या है, करेंसी है। इनकी GDP देखी जाए तो कितनी है, 67,182 इतनी उनकी US डॉलर में GDP है। लैंग्वेज कौन सा है, सिन्हाला है, तमिल है, इंग्लिश है, ये उनकी क्या है, लैंग्वेजेस है। पॉपुलेशन में देखा जाए तो कितनी है, 21,02,26,515 इतनी उनकी आबादी है। एरिया देखा जाए तो एरिया कितना है, 65,610 इतनी उनकी एरिया है स्क्वायर मीटर में। अभी बॉर्डर आपको पता है, बॉर्डर इनकी किससे लगती नहीं है, क्योंकि जो श्रीलंका है वो पूरी तरह क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे ऊपर है पाक की खाड़ी, नीचे है मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरब का समुद्र है, यहाँ पे बंगाल का समुद्र है। ये मैप में मैं आपको इन डिटेल्स बता दूंगा, इसलिए इनकी बाउंड्री नहीं लगती है। अपने भारत का जैसे +91 है, वैसे इनका +94 है। अभी लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड के बारे में मैंने कई बार बताया, ये ग्लोब है, ये अपना अर्थ है, उसमें जो लेटी हुई लाइनें होते हैं उनको लैटिट्यूड कहते हैं, जो खड़ी लाइनें रहती हैं उनको अल्टीट्यूड कहते हैं। जो पृथ्वी है, अपनी जो अर्थ है, वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए क्या होता है, अपने यहाँ पे मानसून आता है, मतलब बारिश होना, धूप होना, ये चीज़ें इसकी वजह से होती है, क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वैसे ही मंगल ग्रह में क्या है, जीवन है, क्योंकि मंगल ग्रह में भी उनकी जो मंगल ग्रह है वो भी उनके कई डिग्री से वो झुका हुआ है। इसलिए कई लोग जैसे US है, जापान, फ्रांस, ये वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे जीवन अपना
वसा है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने अपने जो लॉन्च है वहाँ पे किए हैं, सैटेलाइट होंगे अपने जो जैसे अपने मंगलयान है वैसे ही बहुत सारे देशों ने वहाँ पे भेजा है। लैटिट्यूड 7 है, लॉन्गिट्यूड 81 है, इससे क्या कर सकते हैं हम लोग उस एरिया का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में जानकारी जुटाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इंसान जब पृथ्वी पर आता है तो एवरेज कितने साल जीवित रहता है, वो है 75। अच्छा है, ग्लोबली रैंक देखा जाए 76 है। मीडियन एज मतलब 30 साल से नीचे आधे लोग जो है वो यंग है और 30 साल के ऊपर आधे लोग क्या है ओल्ड है, इसे मीडियन एज कहते हैं। इसमें रैंक है 76। बर्थ रेट देखा जाए तो 16 है, मतलब पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग पैदा होते हैं फॉर गिवन पीरियड उसी साल में, उसे क्या कहते हैं बर्थ रेट। वो 122 रैंक है ग्लोबली। डेथ रेट में देखा जाए तो क्या है पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग मरते हैं, मृत्यु होती है उस गिवन समय में, उस गिवन ईयर में, उसे क्या कहते हैं डेथ रेट कहते हैं। वो है 6। ग्लोबली रैंक देखा जाए 145। पॉपुलेशन देखी है हमने कितना है, 21,22,26,515 इतना इनकी पॉपुलेशन है। रैंक देखा जाए तो 55 है। सेक्स रेशियो पर 1000 पॉपुलेशन में, पर 1000 पुरुष में कितनी स्त्रियां हैं उनको सेक्स रेशियो कहा जाता है, वो 0.87 है। ग्लोबली रैंक देखा जाए तो 52 है। अभी लिटरेसी देखी जाए, लिटरेसी 90% है, 90% लोग वहाँ पे शिक्षित है। ग्लोबल रैंक देखा जाए तो 112 है। एरिया हमने देख लिया है 65,000 के आसपास है स्क्वायर किलोमीटर की। रैंक 120 है। रोडवेज का नेटवर्क कितना है, 97,286 किलोमीटर है और रैंक देखी जाए तो 44 रैंक है, कितनी ग्लोबली। रेलवेज कितना है, 1,449 किलोमीटर है, रैंक देखी जाए तो 82 है। एयरपोर्ट्स कितने हैं, टोटल 18 है, रैंक 134 है। वाटरवेज 160 किलोमीटर है, रैंक है 99। अभी हम लोग जीडीपी देखेंगे, इनकी जीडीपी कितनी है, 91.9 बिलियन यूएस डॉलर इतनी इनकी जीडीपी है और इनका ग्लोबल रैंक देखा जाए तो 68 है। और जीडीपी कर पर कैपिटा देखा जाए तो $4,300 इतनी है और रैंक देखा जाए तो 136 है। क्या करेंगे, इनका मैप देखेंगे। इनके मैप में ये देखो, ये मैप देखने में पता चलेगा ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे छोटा सा जो द्वीप है उसे क्या कहते हैं श्रीलंका कहा जाता है, ये चीन है, ये मंगोलिया, ये कजाकिस्तान। अभी हम लोग ये इंडियन ओशन है और ये मलेशिया, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है। अभी हम लोग जूम करके देखेंगे, ये हम लोग जूम करके देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कोलंबो कैपिटल है उनकी। ये अपना इधर देखा जाए ये तमिलनाडु लगता है, इधर यहाँ से तमिलनाडु है और यहाँ से जो है ये केरल का पार्ट है, तमिलनाडु केरल, और यहाँ से एक सेतु ब्रिज बना दिया है क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ पे जा सके। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो श्रीलंका में माइनॉरिटी है वो तमिल है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे दंगे होते हैं तमिल और वहाँ के लोगों के बीच में, श्रीलंकाई लोगों के बीच में। ये एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चली होगी, ये छोटा सा प्लेटू है, ये द्वीप है, ये क्या है श्रीलंका है, कितना सा है देखो, और ये अपना पूरा यहाँ से भारत। ये इधर आप इन डिटेल से देखा जाए तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे तमिलनाडु है और ये उनकी जो कैपिटल है चेन्नई यहाँ पे। होप आपको श्रीलंका के बारे में जानकारी मिली होंगी। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।